हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो. सो कैसे हैं आप लोग? होप आप बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे. और आज है एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन और क्रिसमस की सारी वाइब स्टार्ट हो गए, हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो गया है. तो मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर और मैं दिखाऊंगी आपको इसमें कि अमेरिका में क्रिसमस में लोग यूजुअली करते क्या. हम बहुत सुनते हैं कि अमेरिका में ऐसे होता है, वैसे होता है. सो हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या होता है बेसिकली. सो मैं आपको इसका टूर कराऊंगी, बहुत मज़ा आने वाला है. इस जगह का नाम है बुर्कमैन हॉलीडे हाउस, फ्रिस्को में ये एक एरिया का नाम है. सो चलिए बिना ज़्यादा बात किए एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या है. सो आप देख सकते हैं ये जगह बहुत ज़्यादा लाइटेड है. हम बढ़ेंगे आगे और आपको दिखाएंगे. सो बेसिकली हम आ गए हैं बुर्कमैन हॉलीडे होम, जो मैंने आपको ये बताया. और ये जो बुर्कमैन हॉलीडे होम्स हैं, ये लोग लगभग 20 ईयर्स से, इनकी पूरी फैमिली, जो इनके सारे एंसेस्टर्स भी इस हॉलीडे सीजन को काफ़ी सेलिब्रेट करते आए हैं. और यहाँ पे आप लगभग 70,000 लाइट्स देख सकते हैं इकट्ठे. सो ये यहाँ की स्पेशलिटी थी. यहाँ पे आप सांता देख रहे होंगे, गुडीज़ मिल रहे हैं, खाने की चीज़ें मिल रही है. ऑन फायर है और क्योंकि ठंड का मौसम है तो बिना फायर के तो हो नहीं सकता है. सो इस तरीके से बॉन फायर लगाए इन लोगों ने. और आ जाओ देखते हैं और क्या तो बढ़ते हैं आगे. और ये देखिए घर के आगे का पार्ट, ये जो हॉलीडे होम है इसके घर के आगे का पार्ट कितना सारा लाइट लगा हुआ है. जैसे मैंने आपको भी बताया ही, 70,000 लाइट यहाँ पे लगे हुए हैं. जो ब्रेड का ये हाउस लगाए हैं लोगों ने. और अंदर देखिए कितने सारे गुडीज हैं. सो ये फ्रेश ब्रेड बना रहे हैं. और क्रिसमस में जैसे हमारे यहाँ दिवाली होली में कुछ खाना स्पेशली बनता है, इनके जिंजर ब्रेड और केक्स बनते हैं. सो इसके लिए इन लोगों ने एक यहाँ पे हाउस बनाया है. और सब जगह आप ये वाइट वाइट देख रहे होंगे, तो ये स्नो का रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश की है. ओके आइए. और ये देखिए यहाँ पे कैंडीज, इन लोगों ने यहाँ पे कैंडीज बनाया है. और वो वहाँ पे केक है, ये कैंडीज है. और ये सांता देखिए रेनडियर पे जा रहा है. और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे मिकी माउस है, स्नोमैन बनाया है. तो जहाँ पे ज़्यादा स्नो होता है वहाँ पे लोग स्नोमैन ही बनाते हैं. तो बहुत ठंड रहती है, लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते. तो आइए देखते हैं और क्या क्या है. सो देखिए ये ओल्ड सैंटा, ये हाउस है, ठीक है. ये निक और के लिए नॉर्थ पोल का एड्रेस दिया हुआ है. और इस तरीके से पोस्ट ऑफिस बना रही है. देखिए इतने क्यूट से बच्चे इसमें घुस घुस के ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. तो ये सैंटा लेटर हाउस है. Thank you.
सारे डेकोरेशन किए गए हैं, सांता है, नॉडी है, क्रिसमस की सारी चीज़ें, क्रिसमस ट्री है, स्नो का सेटअप बना रखा है, स्टार्स हैं, गुडीज़ है। ये एक पूरी टॉय कंपनी है बेसिकली, आप देख सकते हैं इकट्ठे। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था और देखने में सामने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो गाइस आप ज़रूर कमेंट करके बताना टॉय कंपनी है, क्या क्या है। सो कितनी प्यारी प्यारी लाइट्स है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। सॉरी गाइस अगर आवाज़ थोड़ी कम आए, सो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी आवाज़ आए। सो आइए देखते हैं क्या। तो आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का लगा, ये रेनडियर इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और क्रिसमस बिना रेनडियर्स के हो नहीं सकता, क्योंकि सांता यहाँ पे आता है। रेनडियर म्यूजिक के उससे रोक नहीं पा रही हूँ, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। ये रेनडियर है, इसमें आप आराम से नॉर्थ पोल जा सकते हैं। सो बचपन में हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से रेनडियर आएगा और क्रिसमस में क्या लेकर आएगा। सो ये इस तरीके से रेनडियर इन लोगों ने मल्टीपल कलर की लाइट्स लगाई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से इन लोगों ने कितने प्यारे तरीके से बनाया। ये पोल है और यहाँ पे स्नो गिर रहा है। ऐसा इफेक्ट बनाने की कोशिश की है। और ये क्रिसमस ट्री है और इस तरीके से बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। क्रिसमस में क्या करते हैं अमेरिकन्स बेसिकली, और हॉलीडे सीजन इज हियर। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं वापस से बोलूँगी। और अगर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है मुझे, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली से। और मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अगर आपको और पिक्चर्स देखने मेरे राहुल के कि हमने कितनी सारी मस्ती की यहाँ पे और क्या क्या पिक्चर्स लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा और राहुल का इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ वहाँ पे। टिल देन बाय, कीप वॉचिंग।